अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीएसएल पर बात करेंगे। आज पीएसएल में दो मैचेस हुए। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान हुआ, जो मुल्तान सुल्तान ने बासानी जीत लिया। और दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर के दरमियान हुआ। इसमें बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा को 3 विकेटों से हरा दिया। आज के मैचेस पर बात करने से पहले हम बात तो ज़रा पिछले मैचेस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लें, कि क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा पिछले मैचेस का रिव्यू कर लेते हैं वन बाय वन। पहला मैच क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग के दरमियान हुआ। कराची किंग ने टॉस जीतकर क्वेटा को बैटिंग की दावत दी और क्वेटा की पूरी टीम 120 रन पर आउट हो गई। क्वेटा की तरफ से ओपनिंग करने के लिए टॉम बेंटन और सरफराज अहमद आए, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि सरफराज इस बार ओपनिंग करेंगे, लेकिन वो नाकाम हुए। सरफराज को अब ये समझ लेना चाहिए कि वो शायद वर्ल्ड कप और आइंदा T20 सीरीज़ नहीं खेल पाएंगे, और उनको चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें, जैसा वो आज के मैच में खेले और अपने नंबर पर खेले, क्योंकि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको मोहम्मद रिजवान के साथ मुकाबला करना है, उनको अपने आप के साथ मुकाबला करना है। अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं और टीम में आए। तो उस मैच के बारे में ज़रा बताते हैं कि क्रिस गेल, जो पहली दफ़ा क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेले हैं, उन्होंने 39 रन बनाए 24 गेंदों पर, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इसके अलावा आज़म खान 17 रन पर आउट हुए। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन इतना अच्छा नहीं खेल सका और पूरी टीम 121 रन पर आउट हो गई। कराची ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। कराची की तरफ से अरशद इकबाल ने 16 रन देकर 3 विकेटें ली और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। कराची ने टारगेट बासानी 13.5 ओवर में पूरा कर लिया 3 विकेटें के नुकसान पर, और 7 विकेटों से ही मैच जीत लिया। दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हुआ। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी, और ये मैच भी तकरीबन वन साइडेड रहा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी 140 रन बना सका सिर्फ 6 विकेटों के नुकसान पर, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से शुएब मलिक 26 रन, रवि बपारा 50 रन और शफेन रदरफोर्ड 26 रन बना सके। अमाद भट्ट ने भी 23 रन की अच्छी इनिंग खेली और मुकर्रा 20 ओवरों में 140 रन बनाए 6 विकेटों पर। लाहौर की तरफ से शाहिन शाह ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की और 14 रन दे के 3 विकेटें लिए। इसके अलावा पहला मैच खेलने वाले सलमान मिर्ज़ा, जिन्होंने 35 रन दे के 2 विकेटें लिए। लाहौर ने टारगेट 18.3 ओवरों में पूरा किया 143, 6 खिलाड़ी आउट। आखिरी ओवर्स में मैच थोड़ा सा क्लोज हो गया था, लेकिन लाहौर इजीली जीत गया। लाहौर की तरफ से फखर जमान 15, सोहेल अख्तर 14 रन बनाए। आगा सलमान, जो पहली दफ़ा पीएसएल खेल रहे हैं, उन्होंने 21 रन बनाए 16 गेंदों पर। मोहम्मद हफीज 33 रन और बेन डंक ने 22 रन बनाए। पेशावर की तरफ से 2 विकेट बाबरियाज ने लिए और 2 विकेट साकिब महमूद। इस मैच में शाहिन शाह फरीदी को मैन ऑफ द मैच दिया गया, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की शाहिन शाह ने। और इसके बाद तीसरा मैच मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान सुल्तान पिछले पीएसएल में बहुत अच्छा खेली, टॉप 4 में रही, और इस बार पहला मैच इतना अच्छा नहीं उसका रहा, और ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 विकेटों से जीता। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। मोहम्मद रिजवान, जो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस में पीक पर है और हर दूसरे मैच में वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, उन्होंने 71 रन की इनिंग खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जेम्स विंस ने 16 और राइली रोसो 25 रन बना सके, और कार्लोस ब्रेथवेट 22 रन। मुकर्रा 20 ओवर में मुल्तान सुल्तान ने 150 रन बनाए और 8 विकेटें उनकी गिरी। इस्लामाबाद की जानिब से हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 16 रन दिए 1 विकेट ली। फहीम अशरफ ने भी अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद वसीम, जो अपना पहला पीएसएल का मैच खेल रहे थे,
और इमर्जिंग प्लेयर हैं, वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, एक अच्छे बॉलर हैं, अच्छी पेस के साथ बॉल करते हैं। उन्होंने 29 रन देके 3 विकेटें ली और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ऊपर आएगा क्योंकि इस बॉलिंग बहुत अच्छी है और ये बैटिंग भी कर लेता है। वनडे कप में, पाकिस्तान वनडे कप में एक बहुत अच्छी इनिंग खेली है मोहम्मद वसीम ने, तो मुझे लगता है कि ये जल्द इम्प्रूव करेगा। इस्लामाबाद ने टारगेट 19 ओवरों में पूरा कर लिया 7 विकेटों के नुकसान पे। मुल्तान सुल्तान ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन आखिरी ओवर्स में आकर सुहेल तनवीर को स्कोर पर, लुइस ग्रेगरी जिन्होंने अच्छी इनिंग खेली, 49 नॉट आउट, 6 चौके, 1 छक्का, और वही टर्निंग पॉइंट था। लुइस ग्रेगरी ने अच्छा खेला और मैच मुल्तान सुल्तान के हाथों से निकाल लिया। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग, सुहेल तनवीर 4 ओवर 38 रन काफ़ी महंगे साबित हुए। शोएबुल्ला जो अपना डेब्यू कर रहे थे 3 ओवर 26 रन। मोहम्मद उमर ने भी डेब्यू किया 3 ओवर 34 रन 1 विकेट। कार्लोस ब्रैथवेट 4 ओवर 23 रन 2 विकेटें और शाहिद अफरीदी 4 ओवर 24 रन 2 विकेटें। खुशदिल शाह ने भी 1 ओवर किया 4 रन 1 विकेट और मैन ऑफ द मैच लुइस ग्रेगरी को दिया। अच्छी परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग भी अच्छी की थी। लुइस ग्रेगरी ने 4 ओवर 31 रन देके 2 विकेटें भी ली, इसलिए मैन ऑफ द मैच उन्हें दिया गया। और अब चौथा मैच, क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना पहला मैच हार गया था और लाहौर कलंदर पहला मैच जीता हुआ था। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर क्वेटा को बैटिंग की दावत दी, तो क्वेटा ने अच्छा टारगेट बोर्ड पे लगाया 178 रन 6 विकेट्स पर। क्रिस गेल एक दफ़ा फिर बहुत अच्छा खेले, उन्होंने 40 गेंदों पर 68 रन बनाए, 5 चौके, 5 छक्के। सरफराज अहमद ने 48 रन की इनिंग खेली, अच्छी बैटिंग की, 5 चौके। मोहम्मद नवाज़ ने आखिर में जो अच्छी बैटिंग की, 33 रन बनाए, 3 छक्के और 1 चौका। लास्ट जो क्वेटा की बैटिंग के लास्ट 3 ओवर थे ना, वो उनमें बहुत कम रन बनाए, इसलिए वरना क्वेटा अच्छा खेल सकता था और 200 तक लेके जा सकता था। क्वेटा ने मुकर्रर 20 ओवरों में 178 रन 6 विकेट पर बना लिए। लाहौर की तरफ से शाहीन शाह ने महंगे साबित हुए, 4 ओवर 43 रन 1 विकेट। हारिस राव 4 ओवर 38 रन 3 विकेटें। हफीज़ ने 2 ओवर में 11 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की। अहमद दानियाल ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। राशिद खान 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। डेविड वीज़ा भी काफ़ी महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 22 रन दिए और जवाब में लाहौर ने टारगेट बआसानी 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। लाहौर की तरफ से फ़खर जमान बहुत ही उम्दा इनिंग, 82 रन जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सुहेल अख्तर 21 रन बनाकर आउट हुए, 26 गेंदों, काफ़ी स्लो खेले। वही मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने 73 रन 33 गेंदों पर बनाए, 5 चौके और 6 छक्के। तो लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि शायद मोहम्मद हफीज़ को गुस्सा बहुत था, वो सरफराज की टीम समझ के खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने लिहाज नहीं किया और बहुत अच्छा खेले। बॉलिंग में सिर्फ 1 विकेट ली वो 3 ओवर में जाहिद महमूद ने, 3 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट लिए जाहिद महमूद ने। फखर जमान को मैन ऑफ द मैच दिया गया। अब पांचवा मैच, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पिशावर जलमी। ये भी एक हाई स्कोरिंग मैच था। पिशावर जलमी ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। रिजवान एक दफ़ा फिर 41 रन 28 गेंदों पर 2 छक्के 3 चौके। क्रिस लिन 1 रन बनाए। क्रिस लिन अभी तक आउट ऑफ कलर है, फॉर्म में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि फॉर्म में आ जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जेम्स विंस ने बहुत उम्दा इनिंग खेली 84 रन की, इसकी वजह से टारगेट अच्छा बना सके, 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उसके अलावा शोएब मकसूद ने अच्छी इनिंग खेली, 36 रन बनाए 21 गेंदों पर, 4 चौके 2 छक्के शामिल। रैली रोसो 14 रन 1 छक्का 1 चौका शामिल और मुकर्रर 20 ओवर्स में 193 रन बना सके। यहाँ भी मुल्तान सुल्तान के आखिरी 3 ओवर बहुत बुरे गुजरे जिसमें बहुत कम स्कोर बना, और जिस वरना ये टारगेट अच्छा हो सकता था और जेम्स विंस भी आउट हो गए, अगर वो खड़े रहते तो ये टारगेट 200 से ऊपर जा सकता था। बॉलिंग में मोहम्मद इमरान डेब्यू करने वाले, जो फर्स्ट टाइम
खेल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 24 रन देके 1 विकेट लिए। मोहम्मद इरफान महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 41 रन देके 1 विकेट। साकिब महमूद ने 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेटें। और वहाब रियाज 4 ओवर 51 रन, काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। जवाब में पेशावर जलमी ने टारगेट 19 ओवर में पूरा कर लिया, 197 रन 4 विकेट में। इमामुल हक 48 रन, अच्छी इनिंग खेली। कामरान अकमल 37, टॉम कोलर कैडमोर जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे बैट्समैन हैं काउंटी के, 53 रन, 6 चौके 1 छक्का। शिफेन रेदरफोर्ड 15 रन 6 बॉलों पे, 1 छक्का 2 चौके। जो असल इनिंग थी वो हैदर अली 24 रन 8 बॉलों पे, 2 छक्के 2 चौके। और शुएब मलिक 11 रन नॉट आउट। जो इस मैच की ख़ास बात जो मुझे अच्छी लगी और जो मैं प्लेयर पिक किया मैंने, वो है शाहनवाज धानी, जो एक वाकई में बहुत अच्छा बॉलर है। आखिरी ओवर में उसको काफ़ी मार पड़ी, लेकिन पहला मैच था तो अभी वो इम्प्रूव करेगा और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द इम्प्रूव करेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, अच्छी बॉलिंग करता है, लाइन ऑफ लेंथ अच्छी है, पेस अच्छी है। ये मैच पेशावर जलमी ने 6 विकेटों से जीता और मैन ऑफ द मैच हुए टॉम कोलर कैडमोर। मैच नंबर 6, कराची किंग वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये भी हाई स्कोरिंग मैच। इस मैच की ख़ास बात शजील खान की सेंचुरी और ओपनिंग पार्टनरशिप हाईएस्ट। शजील खान ने 105 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। पहले मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद ने टॉस जीत कर कराची को बैटिंग दी। बाबर आजम रन आउट 62 रन से 54 बॉल्स पर, 1 छक्का और 6 चौके। डैन क्रिश्चियन 12 रन 5 बॉलों पे और मोहम्मद नबी 7 रन 5 बॉलों पर। मुकर्रा 20 ओवर में 196 रन 3 विकेट। इसमें भी कहा जा सकता है कि कराची ने आखिरी 2-3 ओवर जो बहुत स्लो खेला और अच्छी बॉलिंग की आखिरी ओवर में इस्लामाबाद ने, जिसकी वजह से टारगेट 200 क्रॉस नहीं किया, 196 पर रोक लिया। बॉलिंग हसन अली 4 ओवर 36 रन 1 विकेट और हुसैन तलत को 2 ओवरों में 25 रन देके 1 विकेट मिली। बाकी किसी बॉलर को विकेट नहीं मिली क्योंकि 3 विकेटें गिरी थी, 196 रन 3 विकेटों पर बनाए। जवाब में फिल साल्ट 0 रन बनाने के बाद आउट हुए। एलेक्स हेल्स अच्छी इनिंग खेले, 46-21 बॉल, 8 चौके 1 छक्का। और इसमें आमिर यमीन के 1 ओवर में 29 रन में शामिल थे जो मैच में डिफरेंस लेकर आए। फहीम अशरफ बहुत अच्छी इनिंग प्रमोट किया, आप दी ऑर्डर भेजा। शादाब खान बगैर कोई रन बनाए पहली गेंद पर आउट हुए। फहीम अशरफ ने 15 गेंदों पर 25 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के। इफ्तिखार अहमद और हुसैन तल्लत ने जो पार्टनरशिप लगाई वही टर्निंग पॉइंट था। इफ्तिखार अहमद नॉट आउट रहे 49 रन, 3 छक्के 2 चौके। और हुसैन तल्लत 42 रन 31 गेंदों पर 4 चौके। आसिफ अली ने 21 रन 9 गेंदों बनाए, 2 छक्के 1 चौका नॉट आउट। और 19.1 ओवर में टारगेट पूरा किया है, 197 5 खिलाड़ी आउट। एलेक्स हेल्स को मैन ऑफ द मैच दिया। उसके बाद एक दिन का गैप था और आज जो पहला मैच खेला गया वो था लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान अपने पहले दोनों मैच हारा, लाहौर कलंदर दोनों मैच जीता था। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर लाहौर को बैटिंग की दावत दी। लाहौर कलंदर ने 20 ओवर में 157 रन 6 खिलाड़ी आउट पर बनाए। लाहौर की तरफ से फ़खर जमान आज 9 रन बनाकर आउट हुए, सुहेल अख्तर भी 7 रन बनाकर आउट हुए, जो डेनली 31 रन बनाए 29 गेंदों पे। मोहम्मद हफीज़ जो नुमाया रहे जिन्होंने 35 गेंदों पर 60 रन बनाए, 5 छक्के और 3 चौके। मोहम्मद हफीज़ की भी फॉर्म अच्छी चल रही है और वो दूसरे नंबर पे है। हाईएस्ट मोहम्मद रिजवान है जो अभी तक टूर्नामेंट में। बेन डंक 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। सुमित पटेल 26 रन और डेविड वेसा 13 रन। अच्छी बॉलिंग की आज सुहेल खान ने, 4 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं ली। शाहनवाज धानी
आखिरी ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए लेकिन अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लेके 39 रन दिए। कार्लोस ब्रैथवेट अगेन, 4 ओवर 20 रन 2 विकेट। अफरीदी काफ़ी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 41 रन। उस्मान कादिर 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग की। जवाब में मुल्तान ने 16.2 ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। और एक दफ़ा फिर मोहम्मद रिजवान 76 49 बॉल्स, 12 चौके। क्रिस लिन एक दफ़ा फिर कुछ नहीं कर सके, 0 पर। शहीन शाह की एक बहुत ही उम्दा गेंद पर आउट हुए, अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड हो गए। जेम्स विंस ने 5 रन्स बनाए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और शेख मकसूद ने अच्छी पार्टनरशिप की। शेख मकसूद 61 रन 41 बॉलों पर, 7 चौके 2 छक्के। और रैली रोसो 1 रन बनाकर नॉट आउट। और बासानी मैच ये 7 विकेटों से जीता और मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच रहे। आज का जो आखिरी और सनसनीखेज मुकाबला, क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी। क्वेटा ग्लेडिएटर पहले दोनों मैच अपने हारा हुआ और आज भी अच्छी पोजीशन में आ गया था, लेकिन ड्यू की वजह से बॉल कंट्रोल नहीं होता, मुश्किल हो जाती है। और पेशावर अच्छा खेला, आखिरी ओवर विकटें बचा के रखी, लेकिन आखिरी ओवर में विकटें गिरने के बावजूद भी वो मैच जीत गया। पेशावर ने टॉस जीतकर क्वेटा को बैटिंग की दावत दी और क्वेटा ने 20 ओवर्स में 198 रन बनाए 7 विकेट पर। आज क्वेटा में 3 तब्दीलियाँ की गई। क्रिस गेल जो कि 2 मैचेस के लिए अवेलेबल थे वापस चले गए। कैमरून डेलपोर्ट आए, फाफ डुप्लेसी और डेल स्टेन की वापसी हुई है। सैम अय्यूब ओपनिंग की रन आउट हुए, अच्छा खेलर खेल रहे थे, 21 रन बनाए 19 बॉल पे। अच्छे यंग प्लेयर हैं, इम्प्रूव करेंगे, अच्छी टेक्निक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। कैमरून डेलपोर्ट 2 रन बनाकर आउट हुए। हाफ डुप्लेसी अच्छा खेले, 37 रन 26 गेंदों पर, 4 चौके 1 छक्का। सरफराज आज काफ़ी अच्छा खेले, शायद सरफराज अपने इस नंबर पे खेलें तो अच्छा खेलेंगे और अपनी गेम की तरफ तवज्जो दें, ना कि इधर उधर की बातों पर। 81 रन बनाए 40 गेंदों पर, 12 चौके 1 छक्का। आज़म खान 47 रन 26 गेंदों पर, 6 चौके 2 छक्के। और यही 2 इनिंग ऐसी हैं और फाफ डुप्लेसी की, जिसकी वजह से 198 रन का टारगेट बना। और आज भी ये टारगेट ऊपर जा सकता था, लेकिन आखिरी ओवर जो है, दो साकिब महमूद स्पेशली, जिन्होंने आखिरी ओवर में 3 विकेट ली और सिर्फ 2-3 रन दिए, जो टारगेट 198 पर रुका, वरना ये टारगेट 210-215 तक जा सकता था। मुजीबुर रहमान अभी तक आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, 4 ओवर 44 रन। अच्छे बॉलर हैं लेकिन फॉर्म में नहीं है। और मोहम्मद इरफान भी महंगे साबित हुए, 4 ओवर 39 रन। मोहम्मद इमरान अच्छी बॉलिंग एक दफ़ा फिर, 4 ओवर 25 रन 1 विकेट। साकिब महमूद ब्रिलियंट, 4 ओवर 34 रन 3 विकेट। और वहाब रियाज 2 विकेटें तो ली, लेकिन अगेन 4 ओवर 54 रन। मुकाबले में चल रहे हैं वहाब रियाज और उस्मान शिनवारी, मुकाबले में ज़्यादा रन देते हैं। जवाब में पेशावर ने टारगेट 19.3 ओवर्स में पूरा कर लिया 7 विकेटों पर। इमामुल हक अगेन 41 रन, अच्छी इनिंग खेली, 4 चौके 1 छक्का। कामरान अकमल 3 रन बना सके और टॉम कॉल और कैडमोर 4 रन बना सके। हैदर अली बहुत अच्छा खेले, 50 की 29 बॉल पे, 5 चौके 2 छक्के। शुएब मलिक अच्छा खेले, 34 रन। जो स्पेशल इनिंग थी वो शफेन रदरफोर्ड और वहाब रियाज, जिन्होंने आखिर में आके काफ़ी अच्छा खेले, और क्योंकि एवरेज जो थी वो तकरीबन 15 पे थी। और असनैन को 2 छक्के रदरफोर्ड ने लगाए और डेल स्टेन के जो ओवर में 3 छक्के लगे, वो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और फिर आखिरी ओवर में फिर क्लोज कर गए, लेकिन हसनैन ने एक वाइट बॉल की जो चौका हो गया और वो बिल्कुल ही उनके हाथ से मैच निकल गया और ये मैच 3 विकेटों से पेशावर ने जीत लिया। बॉलिंग कार्ड, डेल स्टेन 4 ओवर 44 रन 2 विकेट।
हसनैन 3.3 ओवर 40 रन 1 विकेट, उस्मान शिनवारी अगेन 4 ओवर 49 रन 1 विकेट, मोहम्मद नवाज 2 ओवर 13 रन। बेन कटिंग ने 2 ओवर में 23 रन दिए। मुझे नहीं समझ आई कि इसको एक कवर क्यों नहीं दिया, क्योंकि अच्छा बॉलर था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था। जाहिद महमूद ने 4 ओवर में 32 रन दिए, जो बेहतर बॉलिंग की 1 विकेट ली। मैन ऑफ द मैच हैदर अली, अच्छी बैटिंग की। अभी तक जो PSL के मैचेस हुए हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो टॉस जीते पहले बॉलिंग करे और वो मैच जीत जाता है, जितना भी बड़ा टारगेट हो। तो ज़रा थोड़ा सा मज़ा किरकिरा कर देता है, लेकिन फिर भी आज लग रहा था कि क्वेटा अच्छी पोजीशन में आ गया और वो ये डिफेंड कर लेगा, लेकिन लास्ट में फिर बॉलिंग अच्छी नहीं की। उस्मान शिनवारी ने डेल स्टेन को बहुत मार पड़ी, हसनैन को भी पड़ी। वैसे भी ड्यू में जब ड्यू पड़ती है तो बॉलिंग कराना मुश्किल हो जाती है। अभी तक जो इस टूर्नामेंट में जो प्लेयर मुझे नज़र आए हैं, जो यंग प्लेयर हैं, उसमें दो तो बॉलर, तीनों बल्कि बॉलर ही हैं। एक मोहम्मद इमरान जो पेशावर की तरफ से खेल रहे थे, दूसरा मोहम्मद वसीम जूनियर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेयर है, और तीसरा मुल्तान सुल्तान के शाहनवाज धानी। ये तीनों बॉलर जो हैं ये अच्छे बॉलर हैं और ये इम्प्रूव करेंगे, और मेरी दुआ है कि शाहनवाज धानी जल्द टीम में आए, क्योंकि बहुत अच्छा बॉलर है और मुझे अच्छा लगा उसका देख के। उसके अंदर पेस है, एग्रेशन है, और वो इंजॉय करता है गेम को खेलते हुए, जो एक उसका प्लस पॉइंट है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, दिन 2 बजे कराची किंग और मुल्तान सुल्तान, और शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। उम्मीद करते हैं दोनों अच्छे मैच हों, एक्साइटिंग हो, और ये जो चलता आ रहा है कि जो टॉस जीते और वो पहले बॉलिंग करे और मैच जीत जाए, तो शायद कल ये चेंज हो जाए, उम्मीद है। मैच अच्छे होने चाहिए, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। आखिर में मैं बताता चलूं कि मेरी PSL में फेवरेट टीम है मुल्तान सुल्तान। वैसे तो सारी टीमें अपनी हैं, जो भी जीते पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन फिर भी मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करता हूँ। आप भी अपनी टीम के बारे में कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह कल के दोनों मैचेस के बाद पोस्ट मैच रिव्यू की वीडियो बनाऊँगा और कल हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।